नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके आया है और इस वीडियो में भी आपके साथ हम लोग जो है विभिन्न विभागों में जो वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें अभी ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज की नोटिफिकेशन के साथ तो सबसे पहली नोटिफिकेशन जो हम लोग इसमें शेयर आपके साथ करने जा रहे हैं ये आईटीबीपी की तरफ से ही निकाली गई है तो पहली जो हमने इससे पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो थे कम्युनिकेशन के लिए उनकी वैकेंसीज निकाली थी जिसमें मैट्रिक या प्लस टू वाले अप्लाई कर सकते थे लेकिन इस पोस्ट में जो इस वीडियो में हम लोग आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं ये हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और ये कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए वैकेंसी रहेगी तो यानी कि इससे पिछली और इस जो अभी वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं ये दोनों अलग अलग वीडियो रहेगी और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग मांगी गई है और अलग अलग जो है इसमें पोस्टें निकाली गई है तो हेड कांस्टेबल की बात करें हेड कांस्टेबल को जो है लेवल फोर में रखा गया है पच्चीस हजार पाँच सौ बेसिक पे में यानी कि इनकी जो सैलरी स्टार्टिंग बनेगी वो फोर्टी के के आसपास बनेगी कॉन्स्टेबल की बात करें तो कॉन्स्टेबल को जो है लेवल थ्री में रखा गया है इनकी जो सैलरी है वो लगभग स्टार्टिंग सैलरी थर्टी फाइव के के आस बनेगी तो ये तो होगी सैलरी स्ट्रक्चर की बात अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हेड कॉन्स्टेबल के लिए जो है हम फिफ्टी एट वैकेंसी इसकी निकाली गई है जिसको कि आप रोस्टर वाइज इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बाद की बात करें तो कांस्टेबल की टोटल 128 पोस्टों के लिए भर्ती होने जा रही है तो इसका रोस्टर भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको जो है वैकेंसीज को कभी भी बढ़ाया जा घटाया जा सकता है विदाउट गिवन एनी नोटिस तो ये जो है आई के ऊपर ही डिपेंड करेगा इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की तरफ देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो एज लिमिट की बात करें अठारह से पच्चीस साल के व्यक्ति जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एस सी एस टी और ओ बी सी को जो है अपर एज लिमिट में जो है इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी जो हेड कांस्टेबल है वो 18 से पच्चीस साल की अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हेड कांस्टेबल के लिए आप तो सबसे पहले तो प्लस टू पास होने चाहिए और इसके साथ जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक में और साथ में आपके पास या तो फिर तीन साल का मोटर मैकेनिक का जो है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है आपके पास तीन साल का डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऑटोमोबाइल डिप्लोमा के साथ जो है आपके पास प्लस टू पास होनी अनिवार्य रहेगी कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक की बात करें तो इसमें आपके पास सबसे पहले तो मैट्रिक पास होनी चाहिए दूसरा आपके पास इंडस्ट्री ट्रेन इंस्टीट्यूशन का इसी रिस्पेक्टिव ट्रेड मोटर मैकेनिक में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और तीन साल का एक्सपीरियंस होना भी आपके लिए अनिवार्य रहेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे अप्लाई करने का जो लिंक है वो डब्ल्यू डॉट आई टी बी पी पुलिस डॉट निक डॉट इन है यहाँ से आप जो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकेंगे अप्लाई जो है टोटली ऑनलाइन किया जाएगा ऑफलाइन किसी प्रकार के आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो उनतीस अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और सताईस अक्टूबर सताईस नवंबर तक जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकेंगे सताईस नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी तो ये तो था दोस्तों हमारा पहला अपडेट दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं दूसरा जो अपडेट है वो नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है जिसमें कि सबसे पहली जो वैकेंसी इनकी तरफ से निकाली गई है वो ट्रेनिंग एजुकेशन स्टाइफन की निकाली गई है जिसमें कि आपको सोलह हजार पाँच सौ रुपया स्टाइफन दिया जाएगा ट्रेनिंग एजुकेशन की ये पोस्ट रहेगी नंबर ऑफ पोस्टर की बात करें तो दो रहेगी इसमें और जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो जो साइंस ग्रेजुएट पास है जिन्होंने फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस पढ़ी हो या फिर मैथमेटिक्स पढ़ी हो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू है वो चार नवंबर को दो हजार चार नवंबर दो हज़ार बाईस को जो है रखी गई है एनएससी दिल्ली में दस बजे जो है इसका इंटरव्यू टाइमिंग रखा गया है दूसरी जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग सोशल मीडिया के लिए रखी गई है इसमें भी सोलह हज़ार पाँच सौ रुपये आपको स्टाइफन दिया जाएगा नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक रहेगी साइंस ग्रेजुएट पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं चार नवंबर को जो है इसका भी इंटरव्यू होगा तो ये जो भर्तियाँ दो सौ डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के तहत हो रही है इसके बाद जो है ट्रेनिंग क्राफ्ट कारपेंटर के लिए भी भर्ती है इसमें बारह हज़ार रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक रहेगी इसमें आई टी सर्टिफिकेट होल्डर है जिनके पास वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं चार नवंबर को ही इनका भी इंटरव्यू होगा इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों और जो पीडीएफ है हमने अपनी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू हिम डैश इंडिया डॉट कॉम पर डाउनलोड कर अपलोड कर दी हुई है वहां से आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं जिसको कि आपको वो कि इंटरव्यू के दिन जो है अपने साथ लेके जाना होगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑन भी जरूर कीजिएगा अगली जो पोस्ट है वो एक्सप्लेनर की पोस्ट है इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में या फिर आपके पास बीएससी लाइफ साइंस में होनी चाहिए और आपके पास जो सब्जेक्ट है बोटनी केमिस्ट्री जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बायो कैमिस्ट्री माइक्रोबोलॉजी इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना अनिवार्य रहेगा इसकी जो सैलरी है वो मिनिमम बेजिस जो रहेगी एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो फिक्स की गई है उतनी रहेगी और इसका जो इंटरव्यू है वो तीन नवंबर को जो है कंडक्ट करवाया जाएगा तो ये दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल बटन को ऑन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और इससे अधिक भी हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे जॉब से अपडेटेड अपडेट अपने प्ले में अपडेट कर रखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें जिनके लिए एलिजिबल है आप अप्लाई जरूर करें फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन